मुरादाबाद के दो लोमहर्षक सनसनीखेज हत्याकांड। पहले लगभग 13 महीने पहले गठित बहुचर्चित रामगंगा विहार का स्पोर्ट्स कारोबारी कुशांग गुप्ता हत्याकांड, जिसमें 12 जनवरी 2022 को सरेरा कुशांग गुप्ता को कातिल ने उस समय गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया जब वो अपनी दुकान बंद कर घर जाने की तैयारी कर रहे थे, और दूसरा इसी वर्ष 15 फरवरी को महानगर के नामचीन चार्टर्ड अकाउंटेंट श्वेताब तिवारी को शाम को 7 बजे के लगभग उस समय सरेरा गोलियां बरसाकर मौत दे दी गई जब वो दिल्ली रोड अपने कार्यालय से अपने घर जाने के लिए निकल रहे थे। इन दोनों लोमहर्षक हत्याकांड से जहां मुरादाबाद की जनता स्तब्ध थी, तो वहीं दोनों मर्डर केस पूरे तरीके से ब्लाइंड थे। हत्यारों का कहीं से कहीं तक अता पता नहीं था और ना ही हत्यारे मौके पर कोई क्लू छोड़ गए थे, किंतु मुरादाबाद पुलिस अपनी पूरी ताकत के साथ जांच में जुटी हुई थी, इस भरोसे और विश्वास के साथ कि कातिलों को उनके अंजाम तक अवश्य ही पहुंचाना है, और वो भी तेजी के साथ कार्यवाही करते हुए ताकि अपराधियों में पुलिस और कानून का खौफ कायम रहे और जनता में पुलिस के प्रति विश्वास की भावना बलवती हो। अतः इन दोनों हत्याकांड की मर्डर मिस्ट्री खोलने के लिए मुरादाबाद पुलिस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, और फिर मुरादाबाद पुलिस ने डीआईजी रेंज शलभ माथुर के निर्देशन में ऐसा टीम वर्क करके दिखाया कि मात्र 5 दिन के अंदर दोनों हत्याकांड का खुलासा कर दिया गया। शानदार टीम वर्क, 24 घंटे की मेहनत और बिना किसी दबाव के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मुरादाबाद की जनता को जो परिणाम दिया, उससे महानगर वासी न केवल खुश है बल्कि पुलिस अधिकारियों को धन्यवाद भी ज्ञापित कर रहे हैं। बता दें कि दोनों ही हत्याकांड में मुंडा पांडे के पूर्व ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक और उनके गैंग की संलिप्तता को मुरादाबाद पुलिस ने उजागर किया है, जिससे पूरे शहर में सनसनी फैली हुई है। मुरादाबाद के डीआईजी रेंज ने जनता को विश्वास दिलाया है कि किसी भी कीमत पर अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना ही प्रभावशाली क्यों न हो। उन्होंने बताया कि दोनों हत्याकांड के मास्टरमाइंड ललित कौशिक और इसके गैंग से संबंधित और सहयोगी अन्य लोगों की जानकारी पुलिस द्वारा जुटाई जा रही है, उनके खिलाफ भी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। ललित कौशिक द्वारा अवैध कमाई से जुटाई गई संपत्ति की भी जांच की जा रही है। शैली हत्याकांड की भी नए सिरे से जांच कर जल्द ही खुलासे की कोशिश की जाएगी। सर, पहले कुशांग हत्याकांड, उसके बाद जो है श्वेताब तिवारी हत्याकांड, मुरादाबाद पुलिस की ये महती सफलता मानी जा रही है, लोगों में जो है काफ़ी खुशी है इसको लेके। आगे इनके जो स्लीपिंग सेल्स भी हो सकते हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, सबसे पहले तो आज जिस टीम ने ये खुलासा किया है और उसी सभी पूरी टीम को मेरे द्वारा प्रशस्ति पत्र दिया गया है, टीम के सभी मेंबर्स को कैश रिवार्ड भी दिया जा रहा है। जो आपका अगला प्रश्न है, जो आप कि आगे के इसके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी, दोनों सनसनीखेज अपराध थे और इसके ऊपर गैंगस्टर NSA जो इसके अंदर लोग इन्वॉल्व हैं, उनके गैंग पंजीकरण की कार्रवाई, इसके अंदर जो लोग प्रकाश में आए उनके ऊपर पूर्व में भी अभियोग पंजीकृत रहे हैं, पूर्व में अभियोग पंजीकृत होने के उनके ट्रायल की स्थिति, इस जो दोनों केसेस हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस साक्ष्य संकलन की कार्रवाई, साथ ही साथ जो इनके सहयोगी लोग हैं और भी लोग जो प्रकाश में आए हैं, कई लोग ऐसे भी प्रकाश में आए हैं जो डिस्ट्रिक्ट के बाहर के हैं, उनकी क्या गतिविधि है उसके ऊपर वॉच रखना, और साथ ही साथ जो इनकी एक्टिविटीज़ हैं जेल के अंदर, जेल के चीज़ों के ऊपर वॉच रखना, ये सब हम लोग की प्राथमिकता ही रहेगी। साथ ही साथ ये भी प्रकाश में आया, जो घटना का मास्टरमाइंड है उनके द्वारा विगत समय के अंदर काफ़ी ऐसी प्रॉपर्टीज़ ली गई हैं जिनका हम लोग आकलन कर रहे हैं, उनके बैंक डिटेल्स, कई प्रॉपर्टी बेनामी की भी हो सकती हैं, और इस दौरान कुछ और भी शिकायतें प्राप्त हुई है, तो ये हम लोग का एक पूरा इन्वेस्टिगेटिव प्लान रहेगा। और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद यहाँ अपनी टीम के साथ मौजूद है, विवेचकों से एक एक विवेचना के अंदर हम लोग का प्लान ऑफ इन्वेस्टिगेशन रखना, प्रॉपर साक्ष्य संकलन करना, कड़ियों से जोड़ना, ताकि हम इन्वेस्टिगेशन में टाइमली चार्जशीट करें, प्रॉपर एविडेंसेस के साथ चार्जशीट करें, ताकि सफल अभियोजन सभी केसेस के अंदर। सर, ये दोनों ब्लाइंड केसेस थे, पुलिस ने बहुत सफलता के साथ अच्छा कार्य किया है, तो अब शैली हत्याकांड को भी लेके जो है उसके खुलासे को लेके भी लोगों की आशाएं जो है बलवती हो गई हैं, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? जी, हम लोग का पूरा प्रयास है कि जो अनवर्कड आउट केसेस रहे हैं उन लोग को हम लोग सतत रूप से निगरानी करते हुए वर्कआउट करें। निश्चित रूप से जो शैली हत्याकांड है उसके ऊपर नए सिरे से हम लोग का इन्वेस्टिगेशन का प्रयास होगा, और पुनः इस टीम के साथ हम लोग बैठेंगे, मंथन करेंगे क्या क्या चीज़ों को हम लोग पुनः जोड़ के उस केस का खुलासा कर सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग का प्रयास होगा कि अतिशीघ्र उसका भी खुलासा किया जाए। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।